बात करेंगे डोमेन कंट्रोलर क्या है. डोमेन कंट्रोलर लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस किए थे व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर. जैसा कि हम लोग जानते हैं डोमेन कंट्रोलर की अगर हम बात करेंगे तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ डोमेन कंट्रोलर, राइट. रूट डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, अगर हम डीसी की बात करें तो रूट डीसी, ए डीसी, सी डीसी, दीज आर द डोमेन कंट्रोलर. सो आज हम बात करते हैं रूट डीसी और एडीसी के बारे में. तो मैं एक सिनेरियो पहले बना लूंगा फिर मैं आपको समझाता हूँ. एक हमारा सर्वर यहाँ पर है, मतलब जो हमने आईपी दिया इसके अंदर, और एक हमारा यहाँ पर डोमेन कंट्रोलर होने जा रहा है. दिस इज आवर रूट डीसी, ओके. और यहाँ पे हम कॉन्फिगर करने जा रहे हैं ए. लास्ट सेशन में जब हम कॉन्फिगर किए थे एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करना, एक्टिव डायरेक्टरी जो हम इंस्टॉल किए थे वो रूट डीसी. एक्चुअली जब अपने ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर जब हम इंस्टॉल करते हैं, अब डोमेन कंट्रोलर क्या है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से. डोमेन कंट्रोलर एक ऐसा सर्वर होता है जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रन हो रही होती है, ठीक है. तो जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर, इसको मैं एक अपना एक डोमेन एनवायरमेंट बना लेता हूँ, ऐसा कुछ करके एक बाउंड्री बना लेता हूँ कि ये हमारा एक डोमेन है और इस डोमेन का नाम कुछ हम लोग डिसाइड कर लेते हैं जो कि मैंने दे रखा ऑलरेडी. तो दिस इज आवर डोमेन, ठीक है. अब होगा क्या, ये एक डोमेन एनवायरमेंट. तो फर्स्ट जब हम अपना डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रूट डीसी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज आवर रूट डीसी. फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर हमने, फर्स्ट एक्टिव डायरेक्टरी हमने इस सर्वर में इंस्टॉल किया. अब इसके बाद जितने हमारे सर्वर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी अलग अलग डोमेन कंट्रोलर बनेंगे. वो एडीसी हो सकता है, वो आरओडीसी हो सकता है, वो सीडीसी हो सकता है. अब ये क्या है इनके बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे. इनफैक्ट मैंने डोमेन कंट्रोलर लास्ट सेशन में बताया था आपको ये सभी के बारे में, आप उसको देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं तो फिर से आप लास्ट क्लास को देख लीजिए. एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का यूज क्या होता है, सपोज करो एक हमारा रूट डीसी है और यहाँ से बहुत सारे यूजर्स इस पे लॉग इन है, बहुत सारे यूजर्स अलग अलग कंप्यूटर्स पे अलग अलग मशीन पे लॉग इन है. अगर इस डोमेन कंट्रोलर में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ये फेल हो जाता है, डाउन हो जाता है, तो हमारे सारे यूजर क्या हो जाएंगे, इम्पैक्ट हो जाएंगे, सभी यूजर बैठ जाएंगे. तो इसी को देखते हुए हम क्या करते हैं, बैकअप पर्पस के लिए हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इज नथिंग बट इज अ बैकअप डोमेन कंट्रोलर, ये बैकअप के लिए हम यूज करते हैं. इन केस ऑफ फेलियर ऑफ फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर मींस रूट डोमेन कंट्रोलर, एडीसी विल बिकम एक्टिव एंड सर्विसेज विल नॉट इंपैक्ट. ये क्या हो जाएगा, यूजर्स चलते रहेंगे, यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एडीसी बनाने के बाद जो भी यूजर्स यहाँ पे रूट डीसी में बने वो रेप्लीकेट हो जाते हैं यहाँ पे, वो सभी यूजर कहाँ जाते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर. और जो भी यूजर्स एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में रहेंगे वो सभी रूट डोमेन कंट्रोलर में रेप्लीकेट हो जाए. तो ये बहुत साइड रेप्लीकेशन हो रहा होगा, दोनों साइड में रेप्लीकेशन हो रहा होता है इनके बीच में, ठीक है. जो यूजर हम रूट डीसी में बनाते हैं वो यूजर हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में होते हैं, जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में हम बनाते हैं वो रूट डीसी में बनाते हैं. अब ये सिमिलर रेप्लीकेशन होता है, लेकिन अब इसके अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे. तो क्या ये डीसी जस्ट लाइक रूट डीसी है, नहीं ऐसा नहीं है. रूट डीसी और एडीसी में अंतर ये होता है कि ये जो होता है इसके पास मास्टर ग्लोबल कैटलॉग होता है और स्कीमा मास्टर होता है डोमेन. एक्चुअली इसके अंदर अगर हम देखेंगे मेन डिफरेंसेस आपको कब समझ में आएगा, जब हम इसके ऑपरेशनल सिस्टम को समझेंगे, जिसको हम ऑपरेशन मास्टर ऑपरेशन बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं एफएसएमओ रोल, ठीक है. तो ये एफएसएमओ रोल जो होता है ये पांच रोल होते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं क्या, एफएसएमओ, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, एफएसएमओ. और ये क्या क्या रोल होते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. तो ये पांच रोल की अगर बात करें, इनका काम क्या है, ये पूरे हमारे डोमेन एनवायरनमेंट को यही इन्हीं के द्वारा मैनेज किया जाता है. इनके बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे, ये अलग एक सेशन हमारा रहेगा एफएसएमओ के बारे में. अभी बस ये जानो कि इसमें से जो टॉप के दो रोल होते हैं ये फॉरेस्ट लेवल होता है. तो जब हम फर्स्ट रूट डीसी बनाते हैं तो उसमें यही दोनों रोल रहेंगे हमेशा, ये हमेशा फॉरेस्ट डोमेन को, फॉरेस्ट क्या होता है जो हमारा फर्स्ट ये होता है इसी को हम फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है. और ये बाकी तीन जो हमारे हैं ये तीनों रोल ये
सभी हमारे डोमेन को रहेंगे, जो चाइल्ड डीसी है सब डोमेन के पास रह देंगे, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक कमांड रहेगा, वो कमांड में बताऊंगा आपको, नेट उस कमांड को लिख लीजिए कहीं पे, वो कमांड है नेट डॉम क्वेरी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नेट डॉम क्वेरी एफएसएमओ, ये कमांड है इसका, नेट डॉम क्वेरी एफएसएमओ। तो इस कमांड के द्वारा हम चेक कर सकते हैं इसको। अभी एडीसी के इसमें जाके चेक करेंगे, रूट डीसी में तो ये पांचों रोल इसके पास रहेगा, एडीसी में कोई रोल इनका खुद का नहीं रहेगा, सभी यहां से कॉपी रहेगी। पांचों रोल को हम ट्रांसफर कर दें रूट डीसी से एडीसी को, तो रूट डीसी उल्टा हो जाएगा, मतलब एडीसी रूट डीसी हो जाएगा। अब इसमें एक चीज और होता है, ग्लोबल कैटलॉग जीसी का रोल होता है। ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, ये सर्च इंजन होता है, जीसी बोलते हैं ग्लोबल कैटलॉग, ये सर्च इंजन का काम करता है। इसके बारे में भी जब हम एफएसएमओ पढ़ रहे होंगे उस समय हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ग्लोबल कैटलॉग सर्च इंजन का काम करता है। जब हम रूट डीसी इंस्टॉल करते हैं तो उसमें मास्टर ग्लोबल कैटलॉग रहता है, इसको हम मतलब ऑप्शनल नहीं रहता है, ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है इसकी मास्टर डोमेन मास्टर के साथ में ग्लोबल कैटलॉग। जब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम कॉन्फिगर कर रहे होंगे उस समय हमारे पास ऑप्शन रहेगा जीसी आप करना है इनेबल या हटाना, नहीं चाहते आप इंस्टॉल करना तो हटा सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, जब हम जीसी अगर इसमें नहीं इंस्टॉल करके रखेंगे तो फ्यूचर में अगर हमें इसको ट्रांसफर करना रहेगा, यहाँ पे इसको रूट डीसी बनाना रहेगा, तो वो नहीं हो पाएगा, वो प्रॉब्लम रहेगा, तो ये चीजें ध्यान देना रहेगा। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के बारे में क्या आप समझते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक बैकअप डोमेन कंट्रोलर है कि जो भी यूजर हम रूट डीसी में क्रिएट करते हैं वो रेप्लिकेट हो जाता है एडीसी में, और जो एडीसी में करते हैं वो रेप्लिकेट हो जाता है रूट डीसी में। तो अगर कोई इनकेस ऑफ फेलियर ऑफ रूट डीसी, एडीसी बैकअप देता है। अगर हम फ्यूचर में माइग्रेट करना चाहें कि रूट डीसी को एडीसी को हम रूट डीसी बना दें तो वो कर सकते हैं। तो क्या करना रहेगा, एफएसएमओ को पांचों रोल को हमें ट्रांसफर करना रहेगा, ठीक है। तो इसका लैब मैं दिखाता हूँ, सेम यही सिनेरियो मैं लेने वाला हूँ, सेम जो मैं आईपी दे रहा हूँ यही आईपी लेने वाला हूँ दो मशीन करके। ये ऑलरेडी हमारा बना हुआ icnt.com और ये हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे, हाउ टू कॉन्फिगर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर स्टेप बाय, ये सीनरी आप देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं। और उसके बाद हम यूजर बनाएंगे, रेप्लिकेट करके देखेंगे दोनों साइड से, और इस कमांड के द्वारा इसको भी हम चेक कर, ये सारा लैब हमारा होना है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं, कोई डाउट है तो आप हमें। तो हमारे पास अभी दो सर्वर है यहाँ पे, एक सर्वर है ये रूट डीसी है और एक एडीसी है, यहाँ देख सकते हैं नाम से देख सकते हैं, ये रूट डीसी है और यहाँ पे एडीसी है, ये हमारा एडीसी है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो रूट डीसी में ऑलरेडी हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रखा है, ये icnt.com देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका आईपी हमने 172.16.0.100 दे रखा है। अब हम यहाँ पे इसको करने जा रहे हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं, यस राइट, तो 100 है, और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में हमने 151 दे रखा है लास्ट में, ठीक है। तो सब कुछ रेडी है, एक्टिव डायरेक्टरी में जाके मैं दिखा दूं आपको, एक्टिविटी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, और यहाँ पर अभी कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं दिखेगा आपको, यहाँ देखिए डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे, एक ही जीसी है जो इसका खुद का जीसी भी है। जब हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कॉन्फिगर कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये उसका दिखेगा, यहाँ डोमेन कंट्रोलर मतलब तब दिखेगा, मतलब दो डोमेन कंट्रोलर अभी है इसमें, ठीक है। और ये आईपी यहाँ पे ओयू बना हुआ है, इसके अंदर दो यूजर्स हैं। तो जैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे ना इसको, ये दोनों यूजर यहाँ रेप्लिकेट हो जाएंगे, और फिर नया यूजर हम क्रिएट करेंगे वो भी वहाँ रेप्लिकेट हो जाएगा, हम करके देखते हैं। तो चलिए एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में चलते हैं, और यहाँ पे आईपी हम देख लेते हैं। सो हमें करना क्या, एक बार कम्युनिकेशन चेक कर लेते हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं दोनों पीसी के अंदर, दोनों सर्वर के अंदर। आई थिंक कम्युनिकेशन हो रहा होगा, 172.16.0.100, और ये हमारे रूट डीसी का आईपी है, यस इट्स कम्युनिकेटिंग वेल, नो प्रॉब्लम राइट। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे करना है, मैं पहले एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है, मैनेज में जाएंगे, ऐड रोल, सेम प्रोसीजर जैसे हम करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं वैसे ही करना है। इसका कंप्यूटर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का जो हमने कंप्यूटर नेम रखा है वो एडीसी नाम रखा है, ठीक है, एडीसी रखा है। कैसे हम कंप्यूटर नेम चेक करते हैं, रन में जाके होस्ट नेम लिखोगे तो आपको दिखेगा होस्ट नेम, ये देखो एडीसी दिख रहा है, राइट।
यहाँ से हम क्या कर ले रहे हैं, नेक्स्ट जा रहे हैं और यहाँ पे इंस्टॉल करना सेम एज हम इंस्टॉल करते हैं रूट डीसी, वैसे करना एक्टिवेटेड डोमेन सर्विसेज में नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। मतलब एक बार हम एक्टिवेटेड इंस्टॉल कर लेंगे, जब हम प्रमोट कर रहे होते हैं तब हमें देखना होता है कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या हमें अलग करना रहता है रूट डीसी से। जब लाइव में आपको डिस्कशन करना हो ना तो अपना माइक वगैरह सही करके थोड़ा सा साइड में आप वो करेंगे तो सही रहेगा, डिस्टरबेंस नहीं होगा। अभी तो मेरे साइड से खुद मुझे लग रहा है आज डिस्टरबेंस हो रहा होगा क्योंकि एसी नहीं चल रहा है तो कूलर वगैरह चल रहा तो उसका साउंड आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है जहाँ पे भी मैं हूँ अभी, तो इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग जब भी हैंड रेस करते हैं तो अपने जगह के एनवायरनमेंट पहले चेक कर लीजिए तभी हैंड रेस करिए ताकि अदर लोग डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ये सेशन में देखिए बहुत सारे लोग रहते हैं, लाइव सेशन में कम लोग रहते हैं, बाद में इस वीडियो रिकॉर्डेड सेशन को देखते हैं लोग तो बाद में जब देखते हैं तो उनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। एक्टिव डायरेक्टरी हमने इंस्टॉल कर लिया, अब जब हम इसको प्रमोट करेंगे तो प्रमोट दिस टू डोमेन कंट्रोलर, और यहाँ पर जब हम रूट डीसी इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमें के लिए करना होता है क्या, क्रिएट न्यू फॉरेस्ट, बट ऑलरेडी हमने बना चुका है इसको ना रूट डीसी फॉरेस्ट, मतलब रूट डीसी हमारा बन चुका है। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहेगा हमेशा आपको, जब भी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या आरओडीसी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर करना रहेगा आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। हम डोमेन कंट्रोलर को ऐड कर रहे हैं जो हमारा एग्जिस्टिंग डोमेन है, ठीक है, और यहाँ पे उस डोमेन का नाम लिखना रहेगा। तो हमारा डोमेन का नाम है icent.com, और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पे हमें परमिशन देना रहेगा, ठीक है, ऑथेंटिकेट करना रहेगा हमारे रूट डीसी को, तो हम उसका पासवर्ड हमें मालूम होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर और उसका पासवर्ड, अब जैसे मैं ओके करूंगा यहां पे ना, यहां पे आना चाहिए वो रूट डीसी, नो इट्स नॉट कम्युनिकेटिंग, कुछ तो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में या कुछ भी इशू है, तो यहां से मुझे लग रहा है इशू होगा, एक बार हम रूट डीसी से पिंग करके देखेंगे। उसका आईपी है 151, अरे पिंगिंग, इट्स पिंगिंग, ओके कम्युनिकेशन तो हो रहा है, इधर से भी हो रहा, ठीक है देखते हैं एक बार और इसको हम करके icent.com, डोमेन हमारा यही है आई होप, डोमेन icent.com है, यस ठीक है, एक बार और करके देखते हैं इसको, ट्राई करते हैं हम लोग icent.com, इसको भी हम रिबूट कर लेते हैं, एक बार मैं नाम चेंज कर लेता हूं, इसका नाम नहीं है तो इस बहाने आपको नाम भी मालूम हो जाएगा इसका, कैसे हाउ टू चेंज द होस्ट नेम, देखिए किसी भी कंप्यूटर का नाम चेंज करने के लिए उसके माई कंप्यूटर प्रॉपर्टी पे जाना है और चेंज सेटिंग पे जानी है, यू कैन चेंज द नेम, इसका नाम क्या है, सर्वर नाम है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो सही है। तो इसको सिंपली हम रीस्टार्ट कर दे रहे हैं, दोनों डोमेन कंट्रोलर दोनों सर्वर को हमने रीस्टार्ट कर दिया, ये देखिए आ गया है वापस लॉगिन के मोड में, icent.com एडमिनिस्ट्रेटर एट द रेट icent.com, ये देखिए आ गया यहाँ पे, मतलब अगर कम्युनिकेशन हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पे आ जाएगा वो डोमेन के ना, अगर ये नहीं आ रहा है कम्युनिकेट नहीं कर रहा है फिर आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आप बना नहीं पाओगे, आप श्योर बन जाएगा आप कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यहाँ पे आ गया, तो ओके करेंगे हम और
नेक्स्ट करेंगे। कभी ऐसे आपको प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, चाहे ऐसा हो रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना, चेक कर दो। देखो अभी एक बार हम लोग किए तो अभी हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये ग्लोबल कैटलॉग, यहाँ पे ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ग्लोबल कैटलॉग को इंस्टॉल करो या अनइंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन रूट डीसी जब हम बना रहे होते हैं तब ये ऑप्शन नहीं रहता है आपको अनचेक करने के लिए, ठीक है। और ये DSRM पासवर्ड, DSRM मतलब डायरेक्टरी सर्विसेस रिपेयर मोड रिकवरी मोड, ये जब हम बैकअप लेके रखते हैं उसको रिकवर करने के लिए, बैकअप सर्वर जब हम कर रहे होंगे तो उसमें हम बताएंगे। हम रूट डीसी में जाके चेंजेस देखते हैं। यहाँ पे हम आएंगे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर, और डोमेन कंट्रोलर में आपको दिखेगा, यहाँ पर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर में जाओ और यहाँ पे देखिए दो सर्वर दिख रहे हैं, है ना, ADC आ गया। मतलब अभी इसमें दो डोमेन कंट्रोलर है, राइट, एक रूट डीसी और एक ADC। अब हम ये यूजर जो हमने बना रखा है ना यहाँ पे IT डिपार्टमेंट, ये रेप्लीकेट हो गया होगा, जब लॉग इन करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी ये रहेगा। देखिए जब तक ये लॉग इन हो रहा है तब तक एक चीज और दिखा दूं मैं आपको, यहाँ पर जब हम CMD में जाकर FSMO रोल देखेंगे, क्या कमांड है, नेट डॉम, याद कर लीजिएगा ये कमांड FSMO। यहाँ पे इसके पांच रोल दिखेंगे और वो सभी रोल रूट डीसी के पास ही रहेगा। ये देखो सर्वर ICNT.com, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, PDC, RID एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, ये सभी रोल किसके पास है, सर्वर। जब हम इसमें जाके करेंगे ना वहां भी यही रहेगा, मतलब वो ये सारे रोल सर्वर वन के पास ही है, रूट डीसी के पास ही रहेगा, वहां तो केवल कॉपी रह गए। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब हम इसमें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे और यहाँ पर देखिए सारे डोमेन है और डोमेन कंट्रोलर में देखेगा ये IT डिपार्टमेंट में दोनों यूजर आ गया, मतलब जो यूजर यहाँ पे था वो रेप्लीकेट हो गया। यहाँ देखो आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। अभी आप देखो दोनों सर्वर है यहाँ पे, ये रूट डीसी अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये रूट डीसी में है, ठीक है, और ये देखिए दोनों में है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ दो यूजर दिख रहा है ना, मैं रूट डीसी में एक यूजर और क्रिएट करता हूँ। देखिए ये यूजर हमने बनाए रूट डीसी में, और ADC में जैसे रिफ्रेश करेंगे ये यहाँ पर रेप्लीकेट हो जाएगा। देखिए आप, सो वट एवर यू क्रिएट इन रूट डीसी दैट विल बी रेप्लीकेटेड इन ADC, और जो भी हम ADC में क्रिएट करेंगे वो भी जाएगा। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे मास्टर ग्लोबल कैटलॉग नहीं है, लेकिन तो ये समझ में आ गया आपको। एक और OU में बना के दिखा देता हूँ आपको, वो भी रेप्ली, जैसे IT डिपार्टमेंट यहाँ देख रहे हो, एक और कुछ हम बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी केवल IT डिपार्टमेंट, हम सेल्स डिपार्टमेंट बनाएंगे वहां पे, देखिए यहाँ नहीं है, तो मैं एक सेल्स डिपार्टमेंट बना देता हूँ। यहाँ राइट क्लिक, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, यहाँ पे हम बना देते हैं सेल्स। जैसे हम क्रिएट करेंगे यहाँ बन गया, और यहाँ पे जाके देखेंगे रूट डीसी में, यहाँ पे भी आ जाएगा सेल्स डिपार्टमेंट। ये देखिए सेल्स डिपार्टमेंट आ गया। सो वट एवर यू डू इन रूट डीसी दैट विल बी रेप्लीकेटेड इन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, ठीक है, चाहे OU हो, चाहे ग्रुप्स हो या यूजर हो, सब कुछ रेप्लीकेट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर रोल दिखाते हैं दोनों में, है ना, सारे रोल वही दिखेंगे, मतलब जो भी ये है ना ये सारे रोल रेप्लिका रहेगा यहाँ पे, राइट। तो रेप्लीकेशन होता है, अगर ये फेल हो गया तभी हमारे जितने यूजर्स यहाँ बने थे यहाँ पे ऑलरेडी हैं इसके डेटाबेस में, तो ये इम्पैक्ट नहीं होगा हमारा क्लाइंट पे से, ठीक है। तो ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होता है, ये बैकअप के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन आता है कितने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम रख सकते हैं, मल्टीपल रख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4 जितने चाहो उतने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, बट बैकअप के लिए कितना, आज के डेट में डेटा हमारा इंपॉर्टेंट होता है, परफॉर्मेंस हमारा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक तो डाटा के लिए हम बहुत सारे बैकअप के लिए स्टोरेज रखते हैं अलग अलग जगह पे, दूसरा हम कि हमारी सर्विसेज इम्पैक्ट ना करें, हमारे वर्क, हमारा ये वर्क इम्पैक्ट ना करें, इसकी वजह से हम डोमेन कंट्रोलर का भी अलग अलग
बैकअप बना के रखते हैं ताकि एक अगर फेलियर हो तो दूसरा हमारा रेडी रहेगा। इसीलिए तो फेल ओवर क्लस्टरिंग का भी यूज करते हैं, ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, तो स्लोली आप सीखेंगे सारा चीजें। तो आई होप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आपको समझ में आया होगा। वो देखिए, अगर OU, अगर OU को आपने अनचेक कर रखा है तो बड़ा इजीली आप डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर चेक कर रखा है तो इजीली नहीं होगा, तो फिर अंदर से हमें डिलीट करना होगा उसको। ठीक है, तो वो सारा सेशन में हम करेंगे, यूजर ग्रुप OU और इसमें कि अगर इसको अभी इसको हमें डिलीट करना रहेगा तो ये डिलीट नहीं होगा क्योंकि चेक नहीं कर रखा हमने। ठीक है, इसको चेक कर रखा है हमने। ठीक है, तो उसको अनचेक करना रहेगा, ये इसमें नहीं दिखा रहा है। इसको अगर डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। अगर हम एक OU बना के डिलीट करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे गया, अगर इसको हम अनचेक कर देंगे तो इजिली ये OU डिलीट हो जाएगा। मैंने इसका नाम दे दिया बसंत, ऐसे नाउ यू कैन डिलीट इट, ये इजिली डिलीट हो जाएगा। लेकिन वो क्यों नहीं डिलीट होगा उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, कि उसको कैसे डिलीट करना रहेगा और क्यों उसको हम यूज करते हैं। ये देखिए, इजिली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम प्रोटेक्ट करके ही रखते हैं। ठीक है।